हे गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लाइव है ब्रो में। मेरा नाम है ब्रो और आप देख रहे हैं लाइव है ब्रो। आज हम बात करेंगे म्यू मास्टर फास्ट प्रोक्सी सर्वर एप्लीकेशन के बारे में, जिसको अभी हाल ही में रिलीज़ किया गया था दोस्तों 30 जुलाई 2024 को, लेकिन 29 जुलाई को ही इसको पहले बनाकर अपडेट कर दिया गया था। सबसे पहले बात करें इस एप्लीकेशन की, तो इस एप्लीकेशन से हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं और क्या क्या फ़ायदे और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर लाइव प्रूफ के साथ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो बिल्कुल वीडियो को आखिर तक के ज़रूर देखिए अगर आपने भी किया है इस एप्लीकेशन को डाउनलोड। एप्लीकेशन को जैसे ओपन करोगे आप, तो प्राइवेसी एंड पॉलिसी को प्रॉपर तरीके से पढ़ना है। पढ़ने के बाद नीचे की साइड से आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर कर देना है क्लिक। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करते हो, एप्लीकेशन प्रॉपर तरीके से स्टार्ट होना शुरू हो जाता है और यहाँ पर आप देख सकते हो स्टार्ट हो जाता है। और सिंपली आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर आपको लॉस एंटोस जैसा ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। कुछ लोग ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको क्लिक नहीं करना है, आपको सबसे पहले लॉट सेंटोस वाले ऑप्शन पे जाना है। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद बहुत सारे कंट्रीज मिलेगी, न्यूयॉर्क सेटल, वॉशिंगटन डीसी, मैड्रिड, फ्रंकार्ट, सिडनी और भी अलग अलग कंट्रीज आपको देखने के लिए मिलती है। अब इनमें से किसी एक को आपको चूज़ करना है जो भी आपको बेटर लगती है। तो सिंपली मैं कर देता हूँ यहाँ पर सिंगापुर पर क्लिक। सिंगापुर पर मैंने जैसे क्लिक किया, थोड़ी देर में कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है और कनेक्ट भी हो जाता है। दोस्तों वैसे से प्लीजन से बहुत सारे काम किए जाते हैं और कुछ लोगों को फिर भी नहीं समझ में आता कि इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ और कैसे कैसे करेंगे। एप्लीकेशन को कनेक्ट करने के बाद आपको सिंपली कुछ नहीं करना होता है, आपको एप्लीकेशन से बाहर निकलना होता है। जैसे कनेक्टेड सक्सेसफुली हो चुका है प्रॉपर तरीके से, तो यहाँ पर आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको बैक की तरफ आ जाना है। बैक की तरफ आने के बाद में आपको कुछ एडवर्टाइजिंग वगैरह आएगी तो उसको ऊपर की साइड से हटा देना है। एडवर्टाइजिंग हटाने के बाद सिंपली आपको फिर बैक के बटन पर क्लिक करके ओके कर देना है। ओके करने के बाद में फिर से लोकेशन वगैरह ऑप्शन देगा, तो आपको सिंपली से एप्लीकेशन से बाहर निकल जाना है। बाहर निकलने के बाद आप इससे लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो, गेमिंग कर सकते हो, वीडियो एडिटिंग कर सकते हो और फोटो एडिटिंग कर सकते हो। और इसके अलावा अगर कोई और काम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि दोस्तों बहुत से लोगों को समझ में ही नहीं आता कि इससे क्या क्या चीज़ें हो सकती है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।